الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. واجب الاحترام بزرگ नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा इस्लामी तहिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह सुबहानहु तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुबहानहु तआला हमारे इस मिल बैठने को अल्लाह उसके रसूल की बातें कहने और सुनने को कबूल फरमाए। खुद से मोहब्बत कीजिए, एक आयत मैंने आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई जिसमें ऐसे उसूल बताए गए हैं, अगर इन चार उसूलों पर हम अमल कर लें तो हमारी इनफरादी जिंदगी भी संवर सकती है, इज्तिवाजी जिंदगी भी संवर सकती है, इज्तिमाई जिंदगी भी संवर सकती है और इलाके से लेकर मुल्क तक, मुल्क से लेकर दुनिया तक हालात बेहतर से बेहतरीन हो सकते हैं। अल्लाह सुबहाना हो ताला बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन चार उसूल को अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। वबतगी फीमा आता कल्लाहु दार अल आखिरा, अल्लाह सुबहाना हो ताला जो कुछ हमें दिए हैं, क्या कुछ अल्लाह ने दिया है, हर कुछ दिया, क्या नहीं दिया अल्लाह ने, जो भी नेमतें आज हम जिनके मजे लूट रहे हैं, ये सारी की सारी नेमतें अल्लाह सुबहानहु ताला की देन ही तो है। तो जो सेहत अल्लाह ने हमें दिया है, जो माल अल्लाह सुबहानहु ताला हमें दिया है, जो इल्म अल्लाह सुबहानहु ताला ने हमें दिया है, जो सलाहियत अल्लाह सुबहानहु ताला ने हमें दी है, जो खानदान अल्लाह सुबहाना होता ने हमें दिया है, जो सोसाइटी अल्लाह सुबहाना होता ने हमें दिया है और जो ताकत और जो मुल्क अल्लाह सुबहाना होता ने दिया है और जो आजादी अल्लाह ने हमें और जो वसाइल अल्लाह सुबहाना होता ने हमें फराहम किए हैं, इन सारे वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, इन सारे वसाइल से लुत्फानंदोज होते हुए हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। हां, अल्लाह ने फरमाया वला तंसा नसीबा का, तुम्हारा जो दुनिया का नसीब है इसको भी मत भूलो। यहां जो बात बताई गई है वो ये कि हम हर कोई काम जो करते हैं अल्लाह सुबहानहु ताला की रजामंदी के लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि अल्लाह सुबहानहु ताला राजी हो जाए और दुनिया भी हमारी बनाते ना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, दुनिया भी हमारी समझ जाए और आखिरत भी हमारी समझ जाए, अल्लाह की खुशनुदी मतलूब होती है और अल्लाह की खुशनुदी की खातिर हम रिश्तेदारों से रिश्तेदारी भी निभाते हैं, वालिदैन की खिदमत भी करते हैं, गरीब मोहताजों का ख्याल भी रखते हैं, है कि नहीं। लेकिन अल्लाह सुबहाना फरमाते हैं
कि इसमें एतदाल चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप खानदानी बहाव में बह जाएं, समाजी बहाव में बह जाएं और खुद को भूल जाएं, अपने बाल बच्चों का ख्याल ना करें। तुम खुद पे भी खर्च करो, अपने बच्चों पे भी खर्च करो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दिनार जो अल्लाह के रास्ते में सदका किया जाता है उसकी तफसील बताते हुए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरुआत किससे की? बीवी बच्चों से। बात समझ में आ रही? बीवी बच्चों से अल्लाह सुबहान व तआला ने की। तो हमें दूसरों का ख्याल करना चाहिए, दूसरों के साथ एहसान का मामला करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, ताउन करनी चाहिए, लेकिन सेम टाइम हमें खुद अपने आप का भी ख्याल करना चाहिए। जैसा हम दूसरों को जन्नत ले जाना चाहते हैं, हम में ख्वाहिश हो कि हम भी जन्नत जाएं, जैसा हम दूसरों को चाहते हैं कि उनको जहन्नम से बचाएं, हमें भी ख्वाहिश हो कि अपने नफ्सों का हम जहन्नम से बचा लें। चुनांचे अल्लाह सुभान व तआला कुरान में फरमाते हैं, कु अन्फुसकुम व अहलीकुम नार, पहले अपने आप को बचाओ। तो जब तक मैं खुद से मोहब्बत नहीं करूंगा, अपने से मैं प्यार नहीं करूंगा, तो मैं खुद को कैसे जहन्नम के आग से बचाऊंगा और खुद को कैसे जन्नत के लायक बनाऊंगा। चुनांचे खुद से मोहब्बत जरूरी है, खुद से मोहब्बत जरूरी है। उसके बाद अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं, वह अहसिन का मा अहसन अल्लाह इलैक, अल्लाह ने जैसा एहसान का मामला तुम्हारे साथ किया है तुम भी लोगों के साथ एहसान का मामला करो। हाँ, ये जो माल तुम्हारे पास है, ये जो सेहत तुम्हारे पास है, ये जो सलाहियत तुम्हारे पास है, ये जो इज्जत तुम्हारे पास है, ये जो ओहदा तुम्हारे पास है, ये जो ताकत तुम्हारे पास है, ये जो आजादी तुम्हारे पास है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज, कि इन चीजों को फसाद की राह में हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला फसाद परवर लोगों को हरगिज पसंद नहीं करते। फसाद परवर लोगों को अल्लाह सुबहान तआला हरगिज पसंद नहीं करते। चुनांचे चार उसूल देखें, एक है अल्लाह की दी हुई चीजों से हमारी आखिरत को हम सवार लें, हमारे खुद को और अहले खाना को हम जो है उससे सवारने की कोशिश करें, और समाज में जो हमारी मदद के जरूरतमंद लोग हैं उनका भी हम ख्याल करें, और इन सारे जो सलाहियतें हैं इनको गलत रास्ते में इस्तेमाल होने से बचें। ठीक है। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को भी आपके हवाले करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिह, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक के वो अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करे जो अपने खुद के लिए पसंद करता। बात समझ रहे? तो यहां खुद से मोहब्बत की तालीम दी जा रही है कि तुम अपने आप के लिए क्या पसंद कर रहे हो, वही चीज अपने भाइयों के लिए भी पसंद करो। ईमान की अलामत बताई जा रही है इसको, चुनांचे इसके ताल्लुक से भी हमें यहां याद रखना चाहिए। उसके बाद मुअज्जज सामईन, सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु अपने साथी हजरत अबू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु की इबादत को देखने के बाद, उनकी इबादत में जितना अपने आप को थकाते थे उसको देखने के बाद मुखलिसाना नसीहत करते हुए उन्होंने उनसे कहा था, इन लिरब्बिक अलैक हक्कन वलिनफ्सिक अलैक हक्कन वलिअहलिक अलैक हक्कन फअअती कुल्लज़ी हक्किन हक्कन। अल्लाह की इबादत में इतने भी अपने आप को मशगूल मत कर लो, मगन मत हो जाओ कि तुम दीगर लोगों के हुकूक को पूरे हजम कर दो। यकीनन हमें पैदा करने वाली जात अल्लाह सुबहाना ताला की जात है, सबसे पहला हक हम पर किसका है? अल्लाह सुबहाना ताला का है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक हमारे ऊपर है, यानी अल्लाह और उसके रसूल के हक के बाद सबसे पहला हक हमारा किस पर होता है? हमारे अपने नफ्स का होता है। चुनांचे रब का जिक्र करने के बाद सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया,
وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے اپنے اہل کا بھی تم پر حق ہے, چنانچہ تمہیں چاہیے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دو, ہر حقدار کو اس کا حق دو. تو ہم ہر حقدار کو اس کا حق کب دیں گے؟ جب ہم اللہ اور اس کے حق کے بعد خود کے حق کو تسلیم کریں گے, اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے بعد خود سے ہم محبت کریں گے. تو خودی سے محبت یہ ضروری ہے. یہ واقعہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا صدق سلمان, سلمان بالکل سچی بات کہی. اس کے بعد دوسرے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان تم سے زیادہ سمجھدار ہیں. تیسرے مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا اللہ سبحانہ وتعالی نے سلمان کو زبردست علم دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی یہ علم کی بات ہے, یہ سمجھداری کی بات ہے, اور یہ سچائی کی بات ہے. یہ کیا ہے؟ سچائی کی بات ہے. چنانچہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے سوچنا چاہیے کہ ہمارے کئی ساتھی ہیں, ہر تجربے میں ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ آتا ہے, خاص کر وہ لوگ جو غلط ممالک میں رہتے ہیں اس کا شکار زیادہ ہوتے رہتے ہیں. تو کئی ہمارے ساتھی ہم کو ملتے ہیں اور آپ سے بھی ملے ہوں گے اور آپ کو بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا, جو کہتے ہیں کہ مطلب کبھی کوئی میسج آ گیا یا کچھ کال آ گیا تو بہت اداس ہو جاتے ہیں. بھائی کیا ہے, کیوں آپ ابھی تک تو اچھے تھے, کیوں اداس ہو گئے؟ بھائی کا کال تھا, انہیں تو فلاں رشتے دار کا کال تھا کہ بات اس طرح کے کر رہے تھے کہ زندگی بھر میں نے جو ہے ان کی خدمت کی. ہمارے والد کے انتقال کے بعد یا والد کے بیمار ہونے کے بعد جو بھی ہے, میں نے ان کے پڑھائی کا خیال کیا, ان کے گھر بار کا میں نے خیال کیا اور ان کی شادی کا انتظام میں نے کیا, ساری چیزیں میں نے کہیں میری زندگی کو میں نے داؤ پہ لگا دیا, لیکن آج وہ مجھ سے پوچھ رہے کہ تم نے کیا کیا, بلکہ مجھے اپنی جائیداد سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں, میری جو جائیداد ہے وہ جائیداد تم مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں. ایسی واقعات ہم سنتے رہے ہیں, ہے کہ یہ حقیقت ہے. یقیناً ایثار ہمدردی کا جو جذبہ ہے اگر کسی کے اندر ہے آج کے دور میں, ہمیں اس کو سلیوٹ کرنا چاہیے, کیونکہ مفاد پرستی کا زمانہ ہے. ہر آدمی اپنا مفاد دیکھتا ہے, سامنے والے کا, چاہے وہ رشتہ دار ہو, ماں ہو, باپ ہو, بھائی ہو, کوئی خیال نہیں کرتا. ایسے میں کسی کے پاس اچھا دل ہے, اچھا کرنے کا من اس کو ہے, تو ہمیں ضرور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے. ہاں سیم ٹائم ہمیں یہ بھی کہنا ضروری ہے اور کرنا ضروری ہے کہ وہ جو کر رہا ہے, جو طریقہ اس نے اپنایا ہوا ہے وہ غلط ہے, اس لیے کہ دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو پوری طریقے سے داؤ پہ لگانے کے بعد یہ بالکل کنگال ہو جاتا ہے مالدار پر, اور پوچھنے پر کوئی جو ہے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا, ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے. چنانچہ ہمیں دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے, دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, لیکن پہلے خود کا خیال کرنا چاہیے. اگر ہم ان کی مدد کرنے کے باوجود اگر صاحب مال ہوتے, صاحب صحت ہوتے, صاحب طاقت ہوتے, کیا وہ ہمارے ساتھ اس قسم کا بھدا مذاق اڑا سکتے؟ تو چنانچہ معزز سامعین, خود سے محبت کرنا بے حد ضروری ہے. اور اسی طریقے سے معزز سامعین, کچھ باتیں آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. کوئی بھی آدمی ہماری توہین نہیں کرتا, ہماری عزت کو ہم سے کوئی آدمی چھین نہیں سکتا, جب تک کہ ہم اپنے آپ کو باعزت محسوس کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے واقعات پیش نہیں آئے, کسی نے کچرا لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر پھینکا, ہے کہ کسی نے کانٹے بچھائے, اونٹ کی اجڑی لا کر نماز کی حالت میں کسی نے ڈال دی, ہے کہ
زخموں سے چور چور کر دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ کے خلاف لوگ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے, یہ جھوٹا ہے, مثال کے طور پر ہے. لیکن کیا یہ سارے الزامات, یہ ساری سازشیں آپ کی شان کو کچھ گھٹا پائے, آپ کی عزت کو کچھ گھٹا پائے؟ تو میری توہین کوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اپنے آپ کو عزت والا مانتا ہوں, اور مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا جب تک کہ میں خود ہار نہ مان لوں. چنانچہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں کہ لوگ عزت کریں گے ہی تو میں عزت دار ہوں, لوگ بھاؤ دیں گے ہی تو میرا کوئی مقام ہے. نہیں, کسی کے بھاؤ دینے سے, کسی کے عزت کرنے سے میری عزت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی. وہ ان کا ظرف ہے, وہ عزت کرے نہ کرے, لیکن میرا جو ظرف ہے, میرا جو اپنا رویہ ہے, میرا جو اپنا کردار ہے, یہ کبھی بھی بدلنا نہیں چاہیے. اس کی طرف دھیان ہمارا ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے معزز سامعین, کچھ باتیں آپ لوگوں کے حوالے کر کے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا, اگرچہ کہ بہت ساری چیزیں ہیں مختصر انداز میں. آج ہم بہت کچھ کرتے ہیں, آپ چیٹنگ کے نام سے بہت سارے ایپ آ گئے ہیں, اور سب کو ڈاؤن لوڈ کر کے جو آج کا نوجوان ہے ہر جگہ جو ہے نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا میں ان سے بات کر رہا ہے, ان سے بات کر رہا ہے, اس کو میسج بھیج رہا ہے, اس کو میسج بھیج رہا ہے. بہت اچھی بات, ہم ہر ایک سے بات کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹائپنگ کے ذریعے ہو یا وہ اس میسج کے ذریعے ہو, لیکن کیا ہم نے خود سے بات کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے لیے الگ سے ٹائم نکالا ہے کہ ہم اکیلے میں بیٹھیں؟ کیونکہ آدمی کبھی مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے مسائل کی وجہ سے, مشاکل کی وجہ سے, یا جو سہولیات ہیں اس کو دیکھ کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے, دونوں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے ساتھ وقت نہیں گزارتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ, فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. کیوں اللہ نے کہا کہ انسان دیکھے کہ وہ کس سے پیدا کیا؟ پھر اللہ شرح کر رہے ہیں خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. جب ہمارے اصل کی طرف ہم لوٹتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم اس دنیا میں ہیں. اچھی بات, ماضی جو ہے یہ گزر چکا ہے, اب اس کو یاد کرنے سے ہمارا مستقبل روشن ہونے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اور مستقبل کو ہم کبھی بھی برا نہیں سوچتے, اچھا ہی سوچتے ہیں, تو مستقبل ہمارا اچھا ہی رہتا, بیوٹیفل ہی رہتا. لیکن ہم جیتے کہاں ہیں؟ پریزنٹ میں جیتے ہیں. تو یہاں مسائل ہیں, یہاں چیلنجز ہیں, یہاں مشکلات ہیں, ہر چیز یہی ہے. تو ہمیں فوکس کس پر کرنا چاہیے؟ ہمارے پریزنٹ پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ اگر ہم ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو ہمارا جو مستقبل ہوگا, ہمارا جو فیوچر ہوگا وہ برائٹ ہوگا, وہ روشن ہوگا. بس سمجھ میں آئے گی؟ تو ہم خود کے ساتھ کیا وقت گزار رہے ہیں, خود سے ہم کلام ہو رہے ہیں کہ تیری حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے فلانی کمپنی چلتی ہے, ہماری وجہ سے یا گھر چلتا ہے, ہم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ جب نہیں تھے تبھی دنیا چلتی تھی, جب آپ نہیں رہیں گے تبھی دنیا چلے گی. ہمیں فکر سب سے پہلے خود کی کرنی ہے. چنانچہ اپنے نفس کے لیے ہم وقت نکالنا ہے, اور نفس کے ساتھ کچھ وقت ہم بتانا ہے, اور اگر یہ ہم کر پا رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت ساری جو غلطیاں ہمارے درمیان ہو سکتی ہیں, بہت ساری جو خامیاں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں, وہ ساری کی ساری دور ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد معزز سامعین, جب ہم خود سے بات کر رہے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور خود سے ہم بات نہیں کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ خود سے بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں تو سمجھیے کہ دنیا میں سب سے عظیم شخصیت سے آپ بات کر رہے ہیں, اور ہماری نظر میں ہمارے نفس سے بڑھ کر عظیم شخصیت کوئی نہیں, کیونکہ اس کو بچانے کی ذمہ داری ہماری پہ ہے, کہ نہیں؟ اور اگر ہم وقت نہیں نکال رہے تو اس عظیم شخصیت سے بات کرنے کا موقع ہم گنوا رہے ہیں. کیا ہمیں عظیم شخصیت نہیں بننا ہے؟
कि अपने आप को अजीम नहीं बनाना है, बड़ा नहीं बनाना है। तो इतना हम अल्लाह सुबहाना होता की बंदगी में हमारी जिंदगी को लगा दें कि अल्लाह सुबहान तला खुद पूछे कि बंदे तुझे चाहिए क्या, हमें अजीम तब बनाएंगे अपने आप को, तब जाकर अल्लाह सुबहान तला हमसे पूछेंगे ना हमारी जो जरूरियात है उसको अल्लाह सुबहान तला बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पूरा करेंगे ना। तो चुनांचे मुअज्जज़ सामईन इसकी तरफ जो है ध्यान दें कि खुद के लिए भी वक्त निकाले। अब कुछ नुकात आप लोगों के हवाले, एक ही इसमें बात ना चले, कुछ नुकात आप लोगों के हवाले करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। उसमें किरदार यानी जो कैरेक्टर है हमारा, यही असल रूह है जिंदगी का, है कि नहीं? कैरेक्टर ही असल रूह है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल किसको कहा आमाल में? अल ईमान बिल्ला, अल्लाह पर ईमान, उसके बाद हुस्नुल खुल्क, है कि नहीं? हुस्नुल खुल्क का माने क्या है? गुड कैरेक्टर, है कि नहीं? गुड कैरेक्टर। तो अगर हम अपने कैरेक्टर को नहीं बना रहे हैं या नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो समझिए कि हम खुद का बहुत बड़ा नुकसान जो है कर रहे हैं, खुद का बहुत बड़ा नुकसान हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि ओहदे की तलाश में हो, पैसे की तलाश में हो, मनसब की तलाश में हो, मफाद की तलाश में, कुछ भी देखें, आदमी हर दिन अपने कैरेक्टर को बेच रहा है, हर दिन अपने नफ्स का सौदा कर रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दिन आदमी नफ्स को जो है या तो बेच देता है या तो छुड़ा लेता है। हर दिन आदमी अपने नफ्स को या तो बेच देता है या उसको छुड़ा लेता है। हम किस में से हैं? अपने कैरेक्टर को बेचने वालों में से हैं या अपने कैरेक्टर को बचाने वालों में से? तो इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। अब इसके लिए कुछ बातें आप जहन नशीन करने की कोशिश करें, वो ये, आपका जहन या माहौल आसपास का आपको ये कहेगा कि गलत को गलत ना कहें, गलत को गलत ना कहें, खामोश रहें, खामोशी ही में बेहतर है। नुपिंच कथा नव कथ पिंच को तिरगुवाड़े धन्युड़ सुमति बोले सका, समझे कि नहीं? भाई हमें किसी को कुछ नहीं बोलते, अच्छी चीज है ये, इसका महल अच्छा अलग है, इसका मौका अलग है, लेकिन इसको हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। हमारे सामने बदअकीदा आमाल हो रहे हैं, बिदाती आमाल हो रहे हैं, कोई शराब हमारे सामने पी रहा है, कोई जिना हमारे सामने पी रहा है, हमारे पड़ोस में ही जिना का अड्डा खुला हुआ है, गलतकारी हो रही है, बहुत सारी चीजें, बल्कि यहां के माहौल में ड्रग्स अफ्यून ये वो जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हो रही है हमारे आजू बाजू हो रही है, और उसका इल्म हमें है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है, लेकिन उसके बावजूद हम खामोश हैं, कोई रद्द अमल नहीं। गलत को हम गलत नहीं कहते, गलत को हम गलत नहीं कहते का माना क्या? गलत को तस्लीम कर रहे हैं, गलत को हम तस्लीम कर रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर रहा मिनकुम मुनकरन फल युगय्यिरहु बियदिह, तुम में से अगर कोई ये गलत चीज को देखता है अपनी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करे, फइन लम यस्तति फबिलिसानी, अगर उसमें ताकत नहीं है अपनी जुबान से अपनी बात के जरिए उसको रोके, अगर वो भी ताकत नहीं है कम से कम दिल में तो उसको बुरा समझे, दिल में भी हम बुरा नहीं समझ रहे हैं, वज़ालिका अज़अफुल ईमान, इसके बाद ईमान का कोई कमजोर दर्जा है ही नहीं। चुनाचे मुअज्जज़ सामईन इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कोई चीज गलत लग रही है तो हमें उसको गलत करना कहना जरूरी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर उम्मतों पर हमें क्यों फोकियत दी? आप सुने होंगे कई बार, भाई कुंतुम खैरा उम्मत उखरजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाले गए हो, क्या करते हो तुम, तुम्हारा काम क्या है? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, अच्छाई की दावत हमें देना है और बुराई अगर हमें नजर आ रही बुराई से हमें रोकना है। अगर हम एक नाकाम नहीं करेंगे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वार्निंग भी है कि आपने कहा था कि अगर तुम
बुराई को नहीं रोकोगे तो वक्त दूर नहीं कि तुम दुआ के लिए हाथ उठाओगे और तुम्हारी दुआ सुनी नहीं जाएगी। तुम्हें बुराई से रोकना ही है। चुनांचे गलत को गलत ना कहें, ये जो उसूल है, ये जो निजाम है जो आजकल की सोसाइटी में ज्यादातर हमें नजर आता है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कोई सूद ले रहा है तो हमें गलत कहना चाहिए, कोई जहेज ले रहा है तो हमें गलत कहना चाहिए, है कि कोई हुकूमत का माल गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो हमें गलत कहना चाहिए। सामने वाला कहने वाला कह सकता है कि मैं तेरे बाप का तो नहीं था, तेरा तो नहीं खा रहा, बोलते लोग, लेकिन बात हमें सुननी पड़ेगी अगर हम समाज में सुधार चाहते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मिसाल आप लोगों को मालूम है जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोग एक कश्ती में सवार हैं, ऊपर भी लोग हैं नीचे भी लोग हैं और इनको पानी की जरूरत पड़ती है, ऊपर जाते हैं, सुने होंगे है नहीं, बार बार ऊपर जाते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, इन्होंने कहा नीचे से सुराख बना लिया और ऊपर वालों ने कहा चलो झंझट छूटी, तो पानी अंदर आ गया तो सबके सब डूब गए है ना, खुद तो डूबे इंसान तुम्हें भी ले डूबेंगे, है कि नहीं, बात हो गई नहीं। तो चुनांचे अगर हम ये रवैया हमने नहीं अपनाया, यानी गलत को गलत हमने नहीं कहा, तो माज़ा सामईन वो वक्त दूर नहीं जब दीगर लोगों के साथ हमारा घर भी जलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो ये सेल्फ रेस्पेक्ट। अभी तक हम लोग क्या सेल्फ लव के ताल्लुक से बात की, खुद से मोहब्बत करना, सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, इज्जत नफ्स, ये बहुत जरूरी है। सेल्फ रेस्पेक्ट ये बहुत जरूरी है। क्या आप में कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं चाहता? आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई आपकी इज्जत करे, आपको सलाम कर दे, आपसे अच्छे तरीके से आकर हाथ मिलाए, क्या आपको अच्छा नहीं लगता? क्या आपको ये बात अच्छी लगती है कि कोई आपके साथ बुरा मामला करे, बुरा सुलूक करे, अच्छी लगती है? बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो हर आदमी अपने सेल्फ का रेस्पेक्ट चाहता है कि मेरी इज्जत हो, मैं इज्जत की नजरों से देखा जाऊं, मैं बाइज्जत आदमी की तरह जिंदगी गुजारूं, हर आदमी इसको चाहता है। लेकिन जिंदगी में इतने गलत काम इंसान के जरिए होते रहते हैं, उन गलत कामों की वजह से वो रेस्पेक्ट होते जाता है, खोते जाता है, बिल आखिर रेस्पेक्ट करने के लिए उसके पास कोई भी चीज नहीं है कि? ये भी हकीकत है। पांचों वक्त का नमाजी भी है, दाढ़ी भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब मामलात में दीन वाल मामला बोलते हैं, दीन क्या है? एक दूसरे से मामला करना है, तो मामले में हम खड़े रहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुबहाना तआला खुशनुदी हासिल होगी, अल्लाह सुबहाना तआला हमें हमारे खामियों को माफ फरमा के जन्नत में दाखिल करेंगे। लेकिन हमारा मामला ही बिगड़ता जा रहा है, ना मामला हमारे भाइयों के साथ सही है, ना मामला हमारे रिश्तेदारों के साथ सही है, ना मामला हमारे मुसलमानों के साथ सही है, ना मामला हमारे गैर मुस्लिमों के साथ सही है, ना समाज के साथ सही है, ना खानदान के साथ सही है, ना मुल्क के साथ सही है। तो फिर हमारा रवैया अगर ऐसा रहा तो फिर सोचे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है वो ये वलिल्लाहि इज्जतु वलिरसूलिही वलिल्मुमिनीन। इज्जत अल्लाह सुभान व तआला के लिए है, उसके बाद अल्लाह के रसूल के लिए, उसके बाद सारे मोमिन के लिए। और इज्जत का देने वाला कौन है? कौन है? अल्लाह, अल्लाह सुभान व तआला इज्जत का देने वाला है। कुलिल्लाहुम्म मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मन तशा, हां व तहिज्जु मन तशा व तुज्जु मन तशा बियदिहि बियदिहि। सारी जो भलाइयां हैं किसके हाथ में? अल्लाह सुभान व तआला के हाथ में। चुनांचे मौआज़ समय कुछ बातें आप लोगों के हवाले करते हुए आगे बढ़ूंगा, उसमें से एक ये है जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत पे, अरबी मकौले का तर्जुमा है, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। सच इज्जत है और झूठ जिल्लत। और इसी के साथ तुम्हारी हर चीज लोगों से बताते मत फिरो, अगर तुमने ऐसा किया तो लोग तुम्हें हिलके में ले लेंगे। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अल्लाह सुबहाना तआला ने जब तुमको आजाद पैदा किया है तो तुम किसके गुलाम, किसी के गुलाम क्यों बनते हो? अल्लाह को खुश करना अगर हमें आ गया तो फिर किसी को हमें खुश करने की जरूरत नहीं, किसी के तलवे चाटने की हमें जरूरत नहीं, किसी के सामने गुलामी करने की हमें जरूरत नहीं है, है कि नहीं? किसी को झुक झुक कर सलाम करने की जरूरत नहीं है।
तो अल्लाह ने हमें आजाद पैदा किया, हम अपने आप को जलील कर रहे हैं, ये इसका जो है ये। उसके साथ मुआज़्ज़ज़ साबईन अगला जो नुक्ता है वो ये, वो अपना कंट्रोल खो दे, ये भी एक डायलॉग है, अपना कंट्रोल खो दे, यानी नफ्स को बिल्कुल आजाद छोड़, आजाद घोड़ा, कंडले में लेनी गुर्रम बोलते तेलुगु में, अगर उसको कंडले में नहीं है तो क्या होगा, वो घोड़ा जिधर चाहे भागेगा, है कि अगर घोड़ा हमें हमारे कंट्रोल में हो तो हम उसको जिधर चाहे फेर सकते हैं। तो हमारा नफ्स भी क्या है, घोड़े के मानिंद है, जानवर के मानिंद है, अगर आप उसको जब्त नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा, ख्वाहिशात के पीछे हमें भगाएगा, ख्वाहिशात के पीछे हमारे हमें भगाएगा। चुनांचे हमें चाहिए कि हमारे नफ्स पर हमें काबू रखना जरूरी है। चुनांचे दो चीजें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बताई वो ये, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत, अकलमंद कौन है जो खुद को पहचान, पहले मैं अपने आप को पहचान कि मैं कौन हूं, मेरी सलाहियत क्या है कि नहीं, मेरी हकीकत क्या है, अल्कयसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत, और कल आखिरत में जो काम आने वाले काम है उसको वो बजा लाए। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बेवकूफ वो है जो अपने नफ्स की इत्तिबा करता है, ख्वाहिशात के पीछे दौड़ता है और उसके बाद अल्लाह सुबहानहु तआला से लंबी लंबी उम्मीदें लगा रहा है, अल्लाह चाहे तो माफ कर देंगे, अल्लाह बड़े जो है रहीम है, अल्लाह बड़े करीम है, अल्लाह बड़े गफूर है, जहां अल्लाह करीम है, जहां रहीम है, जहां गफूर है, वहीं अल्लाह सुबहानहु तआला शदीदुल इकाब भी है, वह उमली लहुम इन न कैदी मती, मैं उनको ढील दे रहा हूं लेकिन मेरी जब पकड़ आएगी तो बहुत सख्त होगी, तुम छूट नहीं पाओगे। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना जरूरी है। चुनांचे कुरान की कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह सुबहानहु तआला ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपने नफ्स को जो है कंट्रोल में रखें, कई आयतें इसकी तरफ हमें तवज्जो दिलाती हैं, यहां तक कि वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह सुबहानहु तआला के दरबार में खड़े होने का जो खौफ है उस खौफ की वजह से उसको दो जन्नतें मिलेंगी। वो खौफ क्या है, उलमा ने फरमाया कि बंदा कुछ गुनाह करने का सोचता है, पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन अचानक उसको अल्लाह सुबहान तआला की याद आ जाए, अल्लाह सुबहान तआला के दरबार में खड़े होने का वो मौकफ उसे याद आ जाता है और उस गलत काम को वो छोड़ देता है। जो ऐसा करता है ना, अपने नफ्स को उससे जो कंट्रोल कर लेता है, तो अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं जन्नत, उसके लिए क्या है, दो जन्नतें होगी। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन कितना ही बेहतर काम है। उसके बाद तीसरे नुक्ते की तरफ हम जाते हैं, वो ये कि दूसरों के फैसले पर अमल करें। आमतौर पर आप देखेंगे लोग उनकी खुद का अपना फैसला नहीं होता, खुद का अपना कोई इरादा नहीं होता, खुद की अपनी प्लानिंग नहीं होती, वो दूसरों की प्लानिंग में क्या हिस्सेदार बन जाते हैं और दूसरों के मशवरे पर वो अमल करते रहते हैं, जिसकी वजह से याद रखें कि दूसरे के मशवरे पर वो अमल करेंगे तो जिंदगी किसकी जिएंगे, खुद की जिएंगे या दूसरों की जिएंगे, है कि नहीं, तो वो दूसरों की नजर में बहुत अच्छा है कि भाई इसने मेरे मशवरे पर अमल किया है कि, लेकिन खुद से उसको मोहब्बत नहीं है, खुद पे उसको जो है रेस्पेक्ट नहीं है, तो इसकी तरफ ध्यान देना ये भी जरूरी है। और उसके बाद मुआज़्ज़ज़ सामईन इसमें अल्लाह सुबहानहु तआला की एक आयत को भी मैं पेश करूंगा जिसमें अल्लाह सुबहान तआला फरमाया, वइन तुति अक्सर मन फिल अर्दी युज़िल्लुक अन सबीलिल्लाह, कि जमीन में जो ज्यादा लोग हैं उनके अगर तुम इत्तिबा करोगे, उनको फॉलो करोगे, तो वो तुम्हें रास्ते से भटका दे, रास्ते पे नहीं रखेंगे तुम्हें, रास्ते से नहीं चलेंगे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी पूरी जो है थकान से, पूरी जो है तकालीफ से, मशाकिल से भरी होगी। चुनांचे दूसरों का मशवरा लेना चाहिए, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, वह इजा आजम था, मशवरा करो, वह इजा आजम था, करार तुम्हें लेना, आखिरी करार तुम्हें, वह इजा आजम था फतह वक्कल अल्लाह, उसके बाद अल्लाह सुभान व तआला पर भरोसा करो, इसकी तरफ भी हमें ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद मुआज़्ज़ज़ सामईन दूसरों को मुतासिर करते रहे, ये भी एक स्लोगन है,
کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں, ایسا لباس پہنو کہ لوگ متاثر ہوں, ایسی بات کرو کہ لوگ متاثر ہوں, ایسی چال چلو کہ لوگ متاثر ہوں, اتنا خرچ کرو کہ لوگ متاثر ہوں, کہاں تک کریں گے؟ تو مثال کے طور پر ایک چھوٹا قصہ, اگرچہ کہ آپ سب کو معلوم ہے, بتاتے ہیں مختصر طریقے سے آگے بڑھ جاؤں گا, آپ کیونکہ معلوم ہے اس لیے. وہ قصہ کیا ہے, باپ بیٹا ہے گدے کو لے کر چل کر جا رہے ہیں, کچھ عورتوں نے دیکھا اور مسکرا گدا ہے اور دونوں چل کے جا رہے ہیں, اور لوگ کیا کہتے ہیں, باپ نے کہا چلو بیٹا اب بیٹھ جاؤ. کچھ دور گئے, وہاں بڑی عمر کے لوگ کچھ لوگ تھے, انہوں نے کہا یہ کیا نالائق لڑکا ہے, باپ کو چلا رہا ہے خود جو ہے سوار ہے, نہیں سنے ہوں گے آپ یہ, لیکن اس کو سننا ہے بار بار, موٹیویشن کے لیے سننا ہے. تو بیٹا اتر گیا اور باپ کو اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, ہے کہ نہیں. تو باپ کو بیٹا کچھ اور دور گئے تو نوجوان لڑکے دیکھے, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسا باپ ہے بھائی, بیٹے کو چلا رہا ہے اور خود جو آرام سے سواری پر سوار ہے. تو اب ان دونوں کو نہیں سمجھے کیا کریں گے, چلو دونوں بیٹھ جاتے ہیں, دونوں بیٹھ گئے. اور کچھ دور جانے کے بعد بھائی یہ گدھا تمہارا ہی ہے یا کسی دوسرے کا ہے, گدھے کے تعلق سے کچھ رحم کرم ہے کہ نہیں تمہارے پاس, دونوں سوار ہو گئے. لوگوں نے بھائی کیا کریں گے کیا, خالی اس کو چلا کر لے جا رہے تھے تب بھی انہوں نے اعتراض کیا. اب دونوں نے کیا کیا, یہ فیصلہ کیا چلو اس کو ایک لکڑی میں بات کر دو ہے, ہم ہی اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. اور جا رہے تھے نا ایک ندی کے پاس, گدھا نیچے دیکھا کہ بھائی یہ کیا ہے بھائی, میں تو الٹا لٹکتا ہوں, اور اس نے تھوڑا جھٹکا دیا تو یہ اور گدھے سمیت جو ہے نا دھیمی گئی. یعنی بتانے کا جو مقصد ہے, یہ جو مورل ہے ہم سنتے ہو, یہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اگر ہم کچھ کام کرتے ہیں زندگی ہماری ختم ہو جائے گی, لوگ ہم سے خوش نہیں ہوں گے, لوگ ہم سے خوش نہیں ہوں گے. چنانچہ کوئی بھی کام لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہ کریں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں, اور اس لیے کریں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں اور آپ کی زندگی جو ہے کامیابی کے راستے پر چلے, اس کی طرف دھیان دیں. اس کے بعد محترم سامعین, اپنے جذبات کو مار ڈالو, اپنے جذبات کو مار ڈالو, اپنے خواہشات کا گلا گھونٹ دو. یہ سلوگن ہے, کیا مانا, میری شخصیت کو میں ختم کر دوں, میرے افکار کو میں ختم کر دوں, میری زندگی کی پلاننگ کو میں ختم کر دوں, پھر کس کے لیے جیوں؟ ہم یونیک ہیں ہر چیز میں, ہماری شکل یونیک ہے, ہماری صلاحیتیں یونیک ہیں, ہمارا علم یونیک ہے, ہر چیز جو ہے ہم دوسرے سے بالکل الگ ہے. اگر ہماری سوچ کو ہم نے چھوڑ دیا, ہماری شخصیت کو ہم نے چھوڑ دی, ہر چیز ہماری چیز کو ہم نے یہ ختم کر دیا, تو پھر کیا رہے گا, کیا ہم باقی رہیں گے؟ چنانچہ معزز سامعین, اس کی طرف بھی دھیان دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں اس وقت تک تم جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوتا جس کے دل میں جو ہے ذرہ برابر کبر ہوتا, کبر ہوتا. صحابی نے فرمایا کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو, ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو, تو کہ یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ سبحانہ وتعالی خوبصورت ہیں اور خوبصورت چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند کرتے ہیں. تم خوبصورت رہو, خوبصورت لباس زیب تن کرو, خوبصورت جوتا پہنو, چشمہ پہنو, جو بھی پہنو, یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ حق کو انکار کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو, حق کا انکار کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو. اس کے بعد آخری دو باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا, اس میں سے یہ کہ بھائی اپنی جو اخلاق ہے, مورل جو ہیں, ویلیوز جو ہیں, اس کو چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دوں اس کو؟ بولتے بھائی اچھائی کا زمانہ نہیں رہا, لیکن اچھائی کا زمانہ نہیں رہا, اب تم اچھا کرے گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسے ہی لوگ بات کرتے ہیں. اور جو ایسا بات کرتے ہیں وہ حقیقت میں اچھائی کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور ہر برے کام کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا مفاد حاصل کرے. اگر ہم نے اپنے مورل کو لاس کیا تو کتنا بڑا لاس ہوتا ہے, اس کو ایک انگریزی کاتب نے لکھا تھا, اف یو لاس یور ویلتھ یو ہیو لاسٹ سم تھنگ, اگر تم مال ان سے لاس ہوتا ہے تو تھوڑا بہت لاس ہو جاتا ہے, اف یو لاس یور ہیلتھ یو ہیو لاسٹ اے لاٹ, یعنی تھوڑا بہت زیادہ جو ہے نقصان کا امکان ہے.
अगर आप अपने कैरेक्टर को लॉस करते हैं, अपने कैरेक्टर, एवरीथिंग इज लॉस, यानी सारा का सारा खसारा जो है वो आपके सर होगा। चुनांचे मेरी पहचान किससे होगी? मेरे किरदार से होगी। और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के तालुक से पूछा गया, काना खुलुकुहु अल-कुरान, कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या था? वो तो कुरान था। क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? तो आदमी किससे पहचाना जाता है? क्यों लोग नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन कहते थे? क्यों सादिक कहते थे? कैरेक्टर की वजह से कहते थे, है कि नहीं? चुनांचे उसको समझना चाहिए। और आखिर में मुआज़ा सामईन, एक बात है जिससे मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, वो ये कि बेरोह जिंदगी ना जी, बेरोह जिंदगी ना जी, यानी ये जो भी नेगेटिव चीजें अभी तक कही गई हैं, जो भी नेगेटिव चीजें अब तक कही गई कि रद्द अमल ना हो, है कि नहीं, ये जो भी चीजें गई हैं, इन सारी चीजों को अगर हम अपनाएंगे हम जिंदा रहेंगे लेकिन मुर्दा होगा, हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। चुनांचे हमें अगर जिंदा दिल बनकर जिंदगी गुजारना है तो वो चीजें जो आज हमारे इस मुलाकात में सामने आई हैं, उन सारी नेगेटिव चीजों को हमें पूरे तरीके से जो है छोड़ देना चाहिए। चुनांचे मुआज़ा सामईन, याद रखें कि लोग कहते हैं कि भाई सब लोग ये रास्ते में जाते हो तुम भी चले जाओ। सूरह मुल्क में आप एक आयत है जिसमें अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, अफ मैं यमशी मुकिबन अला वजही अहदा अम मैं यमशी सवियन अला सिराति मुस्तकीम, रेवड़ की तरह, जानवरों की तरह, गाय और बकरी की तरह हम भी सर झुकाकर दूसरे के पीछे चले गए तो फिर हमें और जानवरों में क्या फर्क है? हम इंसान हैं, सर उठाकर हम चलेंगे, सर उठाकर हम जिएंगे। क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, किसमें भलाई है, किसमें बुराई है, यह हमें जानना जरूरी है और भलाई के रास्ते को हमें अपनाना है। और उलमा ने फरमाया अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आज अल्लाह हमें हमारे पांव पर चला रहे हैं, आज अल्लाह हमें हमारे पांव पर चला रहे हैं। अगर इन नुकात को हमने नहीं अपनाया तो अल्लाह वो जात जो हमें पांव पर चलाने की ताकत रखती है, यह ताकत भी रखती है कि हमें मुंह के बल भी चलाए। क्या हम वो दिन देखना चाहते हैं? चुनांचे मुआज़ा सामईन, हमें जो भी बातें कही गई हैं उनमें अच्छी बातों को अपनाने की तौफीक अल्लाह सुभान व तआला हम सबको अता फरमाए, और जो भी बातें कही गई उसमें से जो हक है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, और जो गलत और बातिल है मेरे नफ्स और शैतान की तरफ से है, जिससे मैं अल्लाह सुभान व तआला की पनाह में आता हूँ। अल्लाह सुभान व तआला जो भी बातें कही गई हैं उस पर अमल करने की तौफीक कहने वाले मुझको और सुनने वाले आपको हम सबको अता फरमाए। आमीन। वजाकुमुल्लाह खैरन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।